बेगम साहिबा, टीना बीबी आई है। हाँ तो भेज दो। ठीक है आओ टीना, बैठो। बुरा तो नहीं लगा आपको मेरा आना? नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा तुम्हारा आना। बेटा, आप अब भी मुझे बेटा कह रहे हैं। शायद सारे ने आपको अपने इरादों से आगाह नहीं किया। अच्छा तुम छोड़ो सारिम को, तुम मुझे ये बताओ तुम क्या लोगी, कॉफी? क्या कहा आपने? छोड़ो सारिम को। मैंने क्या छोड़ना है उसे? छोड़ तो वो मुझे चुका है। बेटा पता नहीं तुम दोनों के आपस में क्या मसले हुए हैं। पहले वो दीवानों की तरह तुमसे मोहब्बत करता था, शादी के लिए इनकार कर रहा है। इसलिए कि उसका मतलब जो पूरा हो गया मुझसे, जो फायदा उसने मुझसे हासिल करना था वो उसने कर लिया। कैसा फायदा? आंटी, आपको कभी अंदाजा नहीं हुआ कि आपका बेटा क्या करता फिर रहा है? क्या करता फिर रहा है? आपका बेटा नफ्सियाती मरीज है। खूबसूरत लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता, उनसे मोहब्बत भरी बातें करता है और फिर बैठ के उनका पागलपन एंजॉय करता है। बस कर दो टीना, सिर्फ इसलिए कि सारिम ने शादी के लिए इनकार किया है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस पर अब कीचड़ उछालो। मैं तो बल्कि अभी भी समझती हूँ वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। मैं उसे समझा रही हूँ, सादान उसे समझा रहा है। सादान भाई क्या समझाएंगे? सादान भाई को तो खुद समझने की जरूरत है। तुम होश में तो हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। होश तो आपके उड़ेंगे आंटी जब आपको सच पता चलेगा। बहुत खुश है ना आपकी अलिश्पा को तलाक हो गई, आपको अंदाजा भी नहीं कि वो जाते जाते आपका सुकून भी ले गई। उसकी बद्दुआएं कभी आपको चैन से नहीं रहने देंगी। अब तुम उसकी हिमायत करने यहाँ आ पहुंची, सब कुछ तो जानती हो तुम। अलिश्पा बेकसूर थी आंटी, उसका आप फारिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो साधान भाई के साथ बिल्कुल सिंसियर थी। तुम कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारे सामने फारिस से मिलने गई थी। मैंने भेजा था उसे सारिम के कहने पर। सारिम पहले दिन से ही उसे इस घर से निकलवाना चाहता था। चाहता था किसी तरह बस साधान भाई उसे इस घर से निकाल दे। अगर ये सब सच है तो तुम सारिम के इस जुर्म में हिस्सेदार क्यों थी? यही तो वादे करता था वो मुझसे कि अलिश्बा इस घर से जाएगी तो वो आप लोगों को भेजेगा मेरे रिश्ते के लिए। ये तो वो एक झूठ है जो मैं जानती हूँ। पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे उसने आप लोगों से। कैसे मान लूं तुम्हारी बात? मेरी मामा अक्सर कहती हैं कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरे दिल में छुपी बात मेरी आंखों में ही पढ़ लेती। ये हुनर तो हर माँ के पास होता है ना। शायद आपने कभी नहीं पढ़ा सारिम की आंखों में छुपा सच? उसने सिर्फ अलिश्पा की जिंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि उसकी इन्हीं हरकतों ने फारिस की बीवी समन, एक दोस्त की भी जान ले ली। अगर आप अब भी उसे मासूम समझेंगी तो जाने वो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करेगी।